Hello guys, मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिंह फ्रॉम द चैनल आई गुरुकुल और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो सेगमेंट में देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को और यहाँ पे बेसिकली हम दो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे. वैसे तो पांच रिएक्शन आपके कोर्स में दिए हुए हैं. बेसिकली दो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड अनदर वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. रेस्ट रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इससे पहले मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके. चलिए लेट्स सी, हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बने. केमिकल रिएक्शन एक्चुअली है क्या. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स का बनना और टूटना, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो कोई बॉन्ड बनेगा या कोई बॉन्ड टूटेगा. बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, बिगड़ते हैं और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो इस बनने और बिगड़ने के मैकेनिज्म के कारण ही टाइप ऑफ रिएक्शन आया है. देयर आर नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच रिएक्शन इज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए यहां पे पांच तरह के रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग दो तरह के रिएक्शन के बारे में देखेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन. तो आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं. व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. जब दो या दो से ज्यादा मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हो, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हो, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, लोग जुड़ रहे हैं. ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो वहां पे दो कंपाउंड जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. और ये किसके किसके बीच हो सकता है, बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के बीच में हो सकता है. बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में हो सकता है या एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी बुक में दी हुई हैं. क्लास टेंथ की बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं और उन एक्टिविटीज के बेसिस पे ही समझाया गया है. और हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ही सीबीएसई का मेन ग्रंथ है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी केवल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को बेस मानकर ही चलते हैं. तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि आप जब क्विक लाइम लेते हो, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हो और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आप बाजार से चूना ले आते हो और चूने को पानी में डालते हो, देखते हो क्या होता है. चूने को जैसे ही आप पानी में डालते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व फ्रॉम द रिएक्शन. वो बिल्कुल खोलने सा लगता है, अगर आपका हाथ गलती से भी उसमें चला गया तो वो जल सकता है, ऐसा आप देखते हो. तो कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, इट रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हीट एनर्जी. यहां पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में आपकी हीट इवॉल्व होगी और जो बनेगा वो बनेगा स्लैग्ड लाइम, CaOH2, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो CaO इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड. व्हेन रिएक्ट्स विद द वाटर इट रिलीजेस हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, जिसको हम लोग स्लैग लाइम भी कहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसका फंक्शन क्या है. इस चूना लाए हम लोग किसी बर्तन में, उसको चूने में पानी डाल दिया और छोड़ दिया ओवरनाइट, अच्छे से रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पानी गर्म होगा, पूरी तरह से जो सोल्यूशन है वो गर्म हो जाएगा, फिर धीरे 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 ठंडा होगा. सुबह, अगली सुबह हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज करते हैं. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग. व्हाइट वॉशिंग जब आप करते हो तो करते वक्त, करने के तुरंत बाद उसमें शाइनिंग नहीं आती है, करने के
कुछ दिन बाद, एक दो दिन बाद आपको दिखता है कि बहुत ही अच्छा साइनी सरफेस आ गया है, एक चमक आ गई है हमारी दीवारों में और वाइटनेस के साथ एक साइनी अपीयरेंस आना, ये भी एक रिएक्शन है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आप वाइट वॉशिंग कर देते हो तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर आपको जो है आपकी वॉल्स पे दिखती है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर दिखती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो दूसरा रिएक्शन ये होता है जब आप व्हाइट वॉश करके जाते हो जो आपको साइनी अपीयरेंस देता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इन द प्रोडक्ट बनता है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स आफ्टर 2 to 3 days। एंड डे लिखा हुआ है, आप डेज कर लीजिएगा। देखिए कहीं कहीं ये मिस्टेक है, हो जाती है, ह्यूमन एरर है। इसके पहले भी मैंने देखा कि एक जगह मुझसे गलती हुई, स्टीम में STEAM होना चाहिए था, वो STEM जल्दी में लिख दिया। तो ऐसे कमेंट्स कभी कभी आने लगते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ह्यूमन एरर होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2 to 3 days एंड गिव्स अ साइनी फिनिश टू द वॉल। अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमने एक एग्जाम्पल तो ये एक्टिविटी वाला उठा लिया, दूसरे एग्जाम्पल देखिए बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कोल मीन्स कार्बन, कार्बन को बर्न किया, बर्न करने का मतलब है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया, तो बर्निंग ऑफ कोल गिव्स यू CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का बनना, पानी का बनना, जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइंड करती है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट फॉर्म्स अ वाटर। इनका फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है, गैस गैस एंड लिक्विड। आगे आप चलोगे, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन क्या करता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस। तो गैस को हम मॉलिकुलर फार्मूला में लिखते हैं H2 और Cl2। तो H2 प्लस Cl2 2HCl, ये भी आपका जो है गैसेस फॉर्म में आ रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3। FeCl3 बनता है, फेरिक क्लोराइड बनता है, जब हम आयरन को क्लोरीन के साथ, आयरन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, और इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी जो है आपको FeCl3 मिल गया, ठीक है। आयरन सल्फाइड बनता है जब आयरन फाइलिंग्स रिएक्ट्स विद द सल्फर गैस, जब सल्फर गैस से रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जहाँ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो इसमें, इस पूरे रिएक्शन में आपने देखा कि मोस्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, और मोस्टली हीट एनर्जी इज इवॉल्व। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, एनर्जी इवॉल्व हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें से थर्म मीन्स होता है हीट, जहां से हीट रिलीज हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए इसका एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर आप बर्न करें तो नेचुरल गैस CH4+2O2, ठीक है, आपने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया, नेचुरल गैस है वो, हीट वहाँ भी इवॉल्व होती है, वहाँ भी हीट जनरेट होती है, और लास्टली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे ये आपका काम हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेस्पायरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाई या हाउ रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पायरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रेस्पायरेशन का पहले रिएक्शन देख लेते हैं, और आप उस ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखोगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या लिया है हमने, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में वाटर में चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और इस एरो पे हमने लिखा है एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ATP, हीट और ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कंप्लीटली कंबस्ट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिस्पायरेशन को अगर फिर से हम और डीपली समझने की कोशिश करते हैं और बेसिक में जाकर समझते हैं, बाय द ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस आप करते हो, ब्रीदिंग में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी लंग्स को ऑक्सीजन पहुंची, वहां से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को कलेक्ट करती हैं, ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आप ये सब चीजें लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन बड़ा है और क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछा गया है तो आप लिख सकते हो, बाय द ब्रीदिंग प्रोसेस वी मे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड दिस ऑक्सीजन इज कैरीड थ्रू द हीमोग्लोबिन एंड सप्लाइड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, सभी सेल्स को, मिलियन ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई की जाएगी। और जब ये सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वहां प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को, वहां प्रेजेंट ग्लूकोज का कंप्लीट कंबस्शन होगा इन द सेल्स। तो जब सेल्स में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट कंबस्शन होता है, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन इज टू डिफरेंट प्रोसेस, ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस व्हाइल द रिस्पायरेशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इन द सेल्स, सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच गया, ग्लूकोज वहां प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में क्या होगा, वहां CO2 और H2O बनेगा और हीट और ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से हम आप सब इस इन्वायरमेंट में, इस सृष्टि में खड़े हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो बिना एनर्जी के नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन अगर बड़ा आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इलाबोरेट दिस स्टेटमेंट, या हाउ रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां से हीट एनर्जी निकलती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलिए, एक तरह का रिएक्शन हमने पढ़ लिया, बहुत बुक में कुछ और भी एग्जाम्पल आपके दिए होंगे, आप उनको देख लीजिएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट आर सब्सटेंस स्प्लिट्स इन टू टू आर मोर प्रोडक्ट्स। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मोस्टली इट इज एंडोथर्मिक। अभी आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, हीट एनर्जी बाहर निकल रही थी, इसको हम लोग कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी इस इन रिएक्शंस में एब्जॉर्ब होगी अंदर, बिना एनर्जी के ये बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होगा। बॉन्ड को ब्रेक करना है, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट आर लाइट आर इलेक्ट्रिसिटी, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हीट के फॉर्म में, अगर वो सनलाइट के फॉर्म में भी है तो बहुत सारे रिएक्शन है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ही रिएक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो आइए उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जहां पर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, थर्मल का मतलब है हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है, आप देखेंगे फेरस जो आपका दिया हुआ है, FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O, ये क्या है, ये आयरन सल्फेट का क्रिस्टल है, और आयरन सल्फेट का क्रिस्टल जिसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं, ये ग्रीन विट्रियोल 7H2O यानी कि हाइड्रेटेड वाटर कंडीशन में होता है। ठीक, जब आप इसको ड्राई हीट देते हो यानी कि परख नली में डाल दिया और परख नली को गर्म कर रहे हो, आपने FeSO4 7H2O ले लिया, ग्रीन विट्रियोल ले लिया और टेस्ट ट्यूब में डालकर उसको गर्म कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड ड्राई हीट। जब आप गर्म करते हो तो यहां से ये जो 7H2O था, जो वाटर था, वो वाटर निकल जाएगा, और जब वाटर निकल जाएगा तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट, FeSO4 एनहाइड्रस साल्ट के कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ड्राई हीट इन अ टेस्ट ट्यूब, 7H2O गोज आउट, FeSO4 एनहाइड्रस साल्ट बन गया।
अब अगर आप हीट को कॉन्टिन्यूअस रखते हो, देखिए ये जो ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल हीट को डिनोट करता है, ट्राइंगल हीट को डिनोट करता है, और अगर आप लगातार ये हीट बरकरार रखते हो तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिल रहा है, साथ ही मिल रही है पंजेंट स्मेल, ए सफोकेटिंग स्मेल। तो ये आप लिखेंगे जब ये रिएक्शन आएगा कि इस रिएक्शन से जब लगातार आप हीट देते रहते हो तो आपको सफोकेटिंग स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन जहां पे आपको हीट की जरूरत पड़ती है, बिना हीट के नहीं होगा ये रिएक्शन, टूट गया, इसके बॉन्ड टूट गए, स्प्लिट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइम स्टोन का। लाइम स्टोन को गर्म करिए, हीट दीजिए, CaCO3 को जब आप हीट देते हो तो वो क्विक लाइम में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से इवॉल्व होती है। ये भी उदाहरण डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो वो क्विक लाइम और CO2 में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, शायद थोड़ा मैं इधर आ जाता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? व्हेन इन अ रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, जब किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूट रहा हो, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहां पे देखिए, वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट रहा है, बहुत ही सुंदर एक्टिविटी बनाकर दिया हुआ है, जरा उस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़िएगा। एक मग लिया गया है और उस मग में टू होल किए गए हैं, दो होल किए गए, और उस होल में एक कॉर्क लगा दिया गया, साथ ही उसमें ग्रेफाइट की लीड डाल दी गई है, और उस ग्रेफाइट की लीड को बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहां पे 6 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते हैं मग में, और जो ग्रेफाइट की लीड होती है उस पर उलटकर परखनली रख दिया है। जरा इस एक्टिविटी को ध्यान से पढ़िएगा, उलटकर परखनली रख दी गई है। वन इलेक्ट्रोड इज एनोड, अनदर वन इज द कैथोड। एक एनोड है, दूसरा कैथोड है, ठीक। एक पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और दूसरे पे ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा, देखिए पहले क्या होगा, जब आप उलट कर रखोगे पानी पे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए हम थोड़ा सा H2SO4 भी डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, ताकि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। और जब आप स्विच को ऑन कर देते हो तो धीरे धीरे बुलबुले आपको इलेक्ट्रोड पे दिखने लगते हैं, और कुछ देर बाद अगर लगातार आप ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हो तो कुछ देर बाद आपकी परखनलियों में गैस भरती हुई दिखाई देगी, और वो गैस भरती हुई दिखाई देगी, जो हाइड्रोजन गैस होगा उसका वॉल्यूम आप देखोगे तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, मतलब परखनली में पानी के ऊपर स्पेस बनता चला जाएगा, क्योंकि ये पानी से मिक्स नहीं होंगे, हाइड्रोजन पानी से मिक्स नहीं होगा, ये गैसेस पानी से मिक्स नहीं होंगे और वो पानी के ऊपर स्पेस बनाते चले जाएंगे, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा स्पेस दिखाई देगा, जस्ट डबल वॉल्यूम देन द अनदर वन। तो जिसमें डबल वॉल्यूम है उसमें हाइड्रोजन है, जिसमें कम वॉल्यूम है उसमें ऑक्सीजन है, ओके। तो बहुत ही सुंदर आपको दिया हुआ है एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी के रिएक्शन को हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है कि 2H2O जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज अ एनर्जी, एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन, इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पे, जहां पर सनलाइट की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और AgCl देखिए, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट होता है, जब सनलाइट पड़ती है डिकम्पोजिशन होता है, सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाते हैं, तो सिल्वर हमारा कलर चेंज करके ग्रे कलर में आ जाता है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू द ग्रे
सिल्वर, एज वेल एज दूसरा भी आप देखोगे तो सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो कलर का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड लाइट येलो कलर का होता है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में जाता है तो सनलाइट में उसका डिकम्पोजिशन होता है और वो सिल्वर और ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है। ओके, इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, सनलाइट यानी कि वो एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा रहा है रिएक्शन में, दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये दोनों AgCl एंड AgBr इनका क्या एप्लीकेशन है, एक्चुअली इन व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी दे आर यूज्ड। तो अभी भी बहुत जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स मांगते हैं आपसे। AgCl एंड AgBr डिकम्पोजिशन यूज इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी जब फोटो को डेवलप करते थे तो AgCl AgBr का यूज किया जाता था, वहां पे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते थे। लास्ट रिएक्शन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O2 कहते हैं, है ना। H2O2 पे जब सनलाइट पड़ता है, H2O2 देखिए लिक्विड फॉर्म में है और ये सिरपी लिक्विड होता है, सिरप टाइप का, बहुत ही पतला नहीं है, थोड़ा थिक होता है, इसीलिए इसको सिरपी लिक्विड कहते हैं। और जब सनलाइट इस पे पड़ता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ओके, वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, चेंज नहीं हो जाता, हम इसको टूटना कहते हैं, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, H2O2 स्प्लिट होकर वाटर और ऑक्सीजन देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। होप सो कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने लाइक्स जरूर करिएगा, योर लाइक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, जिससे कि मैं थोड़ा इंकरेज होता हूँ और ये इंकरेजमेंट ही हम टीचरों को प्रेरित करता है कि हम बार बार आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आए जो आपको समझ में आए। तो इन द लास्ट, धन्यवाद।